जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स की सीरीज माया का 12वां भाग, जिसमें आज हम बात करेंगे बीएसपी की सरकार में बहन जी द्वारा ओबीसी समाज के लिए किए गए कार्यों पर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बहन जी और बीएसपी का उद्देश्य। भारत देश की महानायिका बहन जी अपनी बुक बहुजन समाज और उसकी राजनीति में लिखते हुए कहती हैं, बड़े से बड़े पद अथवा सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, यह तो माध्यम है उस बदलाव का, उस सामाजिक परिवर्तन का जो हम लाना चाहते हैं। हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिसमें दलितों को, मजलूमों को, अति पिछड़े वर्गों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को स्वाभिमान के साथ सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिले, पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। यही परिकल्पना थी संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की और उन महान समाज सुधारकों की, जिन्होंने बहुजन समाज की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन परिस्थितियों के बावजूद निरंतर संघर्ष किया। तो आइए अब हम बात करते हैं पिछड़ी जात के लोगों के लिए आयरन लेडी बहन जी के द्वारा किए गए कार्यों पर। मायावती जी ने अपने शासनकाल में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग विभाग स्थापित किया और पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना दोगुनी की। पिछड़े वर्ग के छात्रों को शासन प्रशासन में भागीदारी के लिए तैयारी करने हेतु आईएएस या पीसीएस व मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए लखनऊ में छत्रपति शाहू जी महाराज परीक्षण केंद्र का शुभ आरम्भ किया। गोरखा मूल के लोगों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने की घोषणा की। पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास हेतु मार्जिन मिनी योजना, ऋण व्यवस्था एवं व्यवसायिक परीक्षण केंद्र के लिए योजना बनाकर भारत सरकार को भेजा। उन्होंने पिछड़े वर्ग में जन्मे बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिलों का निर्माण कराया और विश्वविद्यालयों का नामकरण तथा स्मारक आदि बनवाए, जैसा आपको माया सीरीज के 8वें भाग में बताया गया था। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक काम बीएसपी ने ओबीसी समाज के लिए किया, वह था मंडल कमीशन लागू कराना। मान्यवर कांशीराम साहब संगठन सिद्धांत एवं सूत्र नामक किताब, जिसमें रजनीकांत जी लिखते हैं, मान्यवर साहब ने देश के अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के लिए पहले बामसेफ, फिर DS4 और इसके बाद बसपा के मंच से संपूर्ण भारत में छोटी छोटी सभाओं का आयोजन करके बहुजन समाज को जागरूक किया। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लागू कराने के उद्देश्य से मान्यवर साहब ने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बड़े सेमिनार और 500 से अधिक सिंपोजियम का आयोजन किया। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक संसद भवन के सामने वोट क्लब पर जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया, जिसके तहत प्रतिदिन 3,749 कार्यकर्ताओं ने धरने और जब जरूरत पड़ी गिरफ्तारी भी दिए। मान्यवर साहब ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए आह्वान किया कि मंडल कमीशन लागू करो या फिर सिंहासन खाली करो। मान्यवर साहब ने ओबीसी की समस्या को देश की समस्या करार करते हुए नारा दिया कि ओबीसी की समस्या देश की समस्या है। मान्यवर साहब ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर अपनी कुशल रणनीति से दबाव बनाकर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराया और भारत के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया, जिससे मान्यवर साहब को लोकतंत्र का महानायक और पिछड़े वर्ग का मसीहा कहा जाता है। इसी कड़ी में देश के भटके और मनुवादी दुष्चक्र में कैद बाबा साहब और मान्यवर साहब से जातिगत भावना के तहत नफरत करने वाले बहुजनों को आगाह करते हुए 7 अगस्त 2021 को विश्व विख्यात समाजशास्त्री एवं सामाजिक चिंतक प्रोफेसर विवेक सर कहते हैं, आज के ही दिन यानी 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ था, परंतु संविधान के जिस अनुच्छेद 340 के तहत यह बना उसे बाबा साहब ने बनाया और इसे लागू ना होने पर नेहरू के कैबिनेट से भी रिजाइन किया। इसे लागू कराने के लिए 10 से 11 अगस्त 1985 से मान्यवर साहब जी के नेतृत्व में बामसेफ, DS4 और बसपा ने मिलकर पूरे भारत में 5 सेमिनार और 500 से अधिक सिंपोजियम किए।
इस संदर्भ में संसद के सामने बोल्ट क्लब पर मंडल कमीशन लागू कराने के लिए धरने दिए और गिरफ्तारियां भी दी। बाद में 1992 और 1993 भी मान्यवर साहब यह आंदोलन चलाते रहे। मंडल कमीशन की संकल्पना और उसे लागू कराने के लिए दबाव बनाने की नींव बाबा साहब और मान्यवर साहब को याद करके उनको साधुवाद अवश्य दे, नहीं तो यह अकृतज्ञता और इतिहास की अनदेखी होगी। इसी तरह बीएसपी ने ओबीसी समाज के लिए सबसे बड़ा और ऐतिहासिक काम किया। जय भीम, जय भारत।